ब्रेक के बाद स्वागत है आपका के चैनल के इस अंक में, और इसके साथ एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। गुड़िया न्याय मंच एक बार फिर उतरा सड़कों पर। गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए किया सीबीआई दफ्तर का घेराव। न्याय न मिलने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। सोलन में शिशु रोग विशेषज्ञ के अभाव में दम तोड़ रहे हैं बच्चे। अस्पताल पहुंच रहे परिजनों को बेहद मुश्किलों का करना पड़ा है सामना। प्रदेश में पशु में बढ़ रही बांझपन की बीमारी ने पशुपालकों की बढ़ा दी है चिंता। जिला में 10 से 15 फीसदी तक दूध देने वाले पशु बांझपन के हैं शिकार। और बिलासपुर जिला के घुमारवी में मकान की दीवार गिरने से 2 की मौत, 1 घायल। मनहूस दीवार ने सुहाग और गोद को कर दिया सूना। केंद्रीय विद्यालय संगठन की असिस्टेंट कमिश्नर ने केंद्रीय विद्यालय मंडी की साइट का निरीक्षण किया। हिमाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की प्रधान आशा ठाकुर ने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर ने स्कूल के भवन के निर्माण कार्य की प्रक्रिया को लेकर निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की प्रधान आशा ठाकुर ने बताया कि दिल्ली से केंद्रीय विद्यालय संगठन की 5 सदस्यीय टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर के नेतृत्व में केंद्रीय विद्यालय स्कूल की साइट का निरीक्षण किया है। आशा ठाकुर ने बताया कि वे रेगुलर इंस्पेक्शन के लिए यहां आई थी और उन्होंने स्कूल की शैक्षणिक तथा स्कूल साइट का भी निरीक्षण किया है। आशा ठाकुर ने बताया कि उनका डेपुटेशन उनसे मिला और असिस्टेंट कमिश्नर ने स्कूल के बीच से सड़क हटाने व सर्वे करने के बाद स्कूल का निर्माण कार्य करवाने के निर्देश दिए हैं। हमारा एक डेपुटेशन डीसी मंडी से मिला और हमारी जो केंद्रीय विद्यालय की समस्या चली हुई है बिल्डिंग को लेकर के, उस बिल्डिंग को बनवाने के लिए हमने डीसी महोदय से बात की कि इसको ज़मीन मिले हुए 2 साल हो गए और अभी तक जो है इसमें संगठन जो है बिल्डिंग नहीं बना पा रहा है, तो जल्दी से जल्दी जो इसका निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए हमने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा और आज हमने केंद्रीय विद्यालय मंडी के प्रधानाचार्य को भी ज्ञापन सौंपा कि स्कूल का जो है जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए। और इसी के चलते दिल्ली से भी आज एक टीम यहाँ पे आई हुई है, असिस्टेंट कमिश्नर वो इंस्पेक्शन के लिए आए हों, उन्हें भी हमने आज जाके पूरा दिखाया स्कूल का कि किस तरह के हाल स्कूल के हैं, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो किस हालत में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए भी जल्दी से जल्दी जो है स्कूल का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए। प्रदेश सरकार की ओर से जो है पूरी ज़मीन इनको मुहैया करवा दी गई है, 2.25 एकड़ ज़मीन स्कूल बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 2015 में इनको दे दी गई है, लीज़ करवा दी गई है। तो अभी हम चाहते हैं पेरेंट्स, अभिभावक और हमारी जो एसोसिएशन है, ये आर्मी से रिलेटेड जो भी महिला यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाती हैं उन्हीं की ये एसोसिएशन है, तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे स्कूल का निर्माण कार्य जो है वो शुरू करवाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट केचराल। सत्य साईं बाबा का 92वें जन्मदिवस को स्थानीय शहर सहित उपमंडल में जगह जगह मनाया गया। इस अवसर पर नादौन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता साईं कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोहला के चेयरमैन ब्रिजमोहन सोनी ने की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने शहर भर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान साईं भक्तों ने भजन गाते हुए शांति का संदेश दिया। इस अवसर पर ब्रिजमोहन सोनी, शम्मी सोनी, सुमन सोनी, आशुतोष शर्मा, बलदेव कौशल, सुदेश कुमार, सुनील कुमार, सुरेश कुमार, सुमन सोनी, रजनी शर्मा, निर्दोष सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो पालकी प्रोसेशन है ये श्री सत्य साईं बाबा के जन्मदिन के संदर्भ में निकाल रहा है। इसके साथ ही कल हम गाँव में जाकर प्रसाद बांटेंगे और परसों लक्षार्चना होगी और 23 तारीख को भगवान का बर्थडे है, उसमें हम प्रसाद का वितरण करेंगे और 3 से 6 बजे तक भजन होगा। छः मंथले कोई 30 सालों से कर रहे हैं, 30 सालों से। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 47वीं अंतर महाविद्यालय पुरुष बास्केटबॉल प्रतियोगिता मंगलवार को कुल्लू के ढालपुर मैदान में आरंभ हुई। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के लगभग 20 महाविद्यालयों की टीमें भाग ले रही है।
प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए जिलाधीश यूनुस ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलें बहुत ही आवश्यक है। ये न केवल शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रखती है बल्कि बच्चों व युवाओं में कई गुण भी विकसित करती है और उन्हें नशे व अन्य दुर्गुणों से दूर रखती है। इस मौके पर सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए जिलाधीश ने कहा कि वे पूरे जोश और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कुल्लू में विभिन्न शिक्षण संस्थानों और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के सहयोग से दो दिवसीय खेल उत्सव के आयोजन की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इससे पहले कुल्लू महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर नंदलाल शर्मा ने जिलाधीश अन्य अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया और प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी दी। राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 47वीं जो है इंटर कॉलेज बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश भर से 20 कॉलेज से टीमें आई हुई हैं और अगले 3 दिन ये जो है टाइटल के लिए बास्केटबॉल चैंपियन के टाइटल के लिए संघर्ष करेंगे और मैच जो है अगले 3 दिन तक होते रहेंगे। और परसों आज जो है शुभारम्भ इसका माननीय जो हमारे उपायुक्त महोदय है श्री यूनुस जी, उन्होंने किया सवेरे इसका शुभारंभ और जो इसकी समापन होगा उसकी क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो परसों माननीय जो हमारे SP महोदय हैं शालिनी अग्निहोत्री जी वो करेंगे। सर अपना डेडिकेशन अपना परिचय बताएं। प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय कुल्लू डॉक्टर नंदलाल शर्मा, आपसे आग्रह करता हूँ कुल्लू वासियों से भी और समस्त जो है हमारे यहाँ शहर वासियों से कि वो अगले 3 दिन तक जो है हमारे जो मैच हो रहे हैं उनका लुत्फ उठाएं। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानाचार्य एवं पूर्व छात्र एसोसिएशन के अध्यक्ष यशपाल महंत, उपाध्यक्ष PD आजाद, हरिपुर कॉलेज के प्रधानाचार्य शमशेर सिंह, प्रतियोगिता की आयोजक सचिव डॉक्टर सुजाता, स्थानीय कॉलेज के अन्य शिक्षक और विभिन्न महाविद्यालयों की टीमों के प्रभारी भी उपस्थित थे। वहीं प्रतियोगिता के पहले मैच में महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर ने राजकीय महाविद्यालय पालमपुर को हराया और दूसरा मैच संजोली और बिलासपुर के बीच खेला गया। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल कुल्लू। जिला बिलासपुर के गुम्हारवी मंडल के मेलेवर में मकान की दीवार गिरने से 2 की मौत और 1 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जी हां, यह हादसा उसमें पेश आया जब पुराने मकान को गिराने का कार्य चल रहा था, लेकिन अचानक दीवार गिर जाने के कारण उसके पति और उसका बेटा दीवार की चपेट में आने से मारे गए। अपने परिवार सहित मुरादाबाद से आई देवती अपने परिवार सहित दीवार गिराने में लगी थी, लेकिन अचानक दीवार गिर जाने के कारण उसके पति और उसका बेटा दीवार की चपेट में आने से मारे गए। लेकिन देवती को भी गंभीर चोटें आई जिससे इलाज के लिए जिला मुख्यालय बिलासपुर में क्षेत्रीय हॉस्पिटल में लाया गया, जो वहां पर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। जहां पर मुरादाबाद से रोजी रोटी कमाने आए देवती के परिवार पर विपदाओं का पहाड़ गिरा, वहीं पर मनहूस दीवार ने उसके सुहाग और गोद को सुना कर दिया। आज मॉर्निंग में जो है पुलिस घुमारवी पुलिस को इन्फॉर्मेशन आई थी कि मलियावर एक गांव है घुमारवी में पड़ता है और यहाँ पे जो है एक घर के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और एक घायल हो गया था। पुलिस ने मौके पे पहुँचे तो वहाँ पे जो है ये यूपी के लेबर हैं, हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा है 10 साल का। इन्होंने जो है ठेके पे जो है उस पुराना मकान था उसको गिराने का ठेका लिया हुआ था और इसमें जो है गिराते वक्त जो है मकान गिरने की वजह से उसमें जो है जो हस्बैंड है जिसकी एज लगभग 30 साल की है उसकी तथा उसके पुत्र जिसका नाम आकाश है 10 साल की, उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई है। बाकी जो उनकी वाइफ है देववंती 27 ईयर्स ओल्ड है उसको जो है हॉस्पिटल लाया गया है। अभी फ़िलहाल जो उसे IGMC रेफ़र कर दिया गया है, उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। पुलिस बाकी लोगों को इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, फर्दर जो कार्रवाई हो इसमें पुलिस द्वारा की जा रही है। वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर ना कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400।
हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत मंडी जिला के बागवानों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला का शुभारंभ डीसी मंडी मदन चौहान ने किया। इस अवसर पर मदन चौहान ने बताया कि विश्व बैंक के सहयोग से हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना का संचालन किया जा रहा है ताकि यहाँ के बागवानों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जा सके। मदन चौहान ने बताया कि परियोजना के तहत सेब, चेरी, नाशपाती, खुमानी, पल्लम, आड़ू, आम, लीची और नींबू प्रजाति के साथ अनार और अखरोट जैसे फलों के उत्पादन को बढ़ाना है। इस परियोजना के तहत 18,200 हेक्टेयर नए बगीचे लगाने के अलावा 3,000 हेक्टेयर के पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 8,800 हेक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचों की सुधरी वैज्ञानिक तकनीक के अंतर्गत लाया जाना है। मदन चौहान ने बताया कि इस परियोजना को प्रदेश के सभी 12 जिलों में लागू करके 1.5 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। उपायुक्त मंडी ने अधिक से अधिक बागवानों से इस परियोजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। आपके माध्यम से सभी किसानों से भी ये आग्रह करना चाहूंगा कि अब लेटेस्ट जमाना जो हमारा आ गया है, लेटेस्ट प्लांटेशन का आ गया है, हमारी प्रोडक्शन जो है विजावी वर्ल्ड लेवल पे जो है बहुत कम है। कंपैरेटिवली जितने एक हेक्टेयर में हम एप्पल प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत कम हैं चाइना के कंपैरिजन में भी, मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे एचपीएमसी में काम करने का भी थोड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस वक्त हम ये स्टडी किया करते थे खास करके एप्पल जूस कंसंट्रेट के लिए। सो उस चीज को एट पार लाने के लिए वर्ल्ड के हम लोगों को जो है ये रिजुविनेशन प्लान और ये जो नई लेटेस्ट टेक्निक्स है इनके साथ जाना पड़ेगा ताकि हमारी इकोनॉमी में जो है ओवरऑल सुधार हो सके। इस मौके पर बागवानी विभाग के उपनिदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यह प्रोजेक्ट पूरे 5 साल तक चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बागवानों को इसका लाभ मिल सके। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रोजेक्ट के तहत पुराने पौधों को बदलकर अधिक लाभ देने वाले नए पौधों को लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक सेब का उत्पादन होता है लेकिन इसका उत्पादन अभी भी काफी कम है और इसे बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक से पोषित जो है एक वर्टिकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पर काम कर रहा है, ये अगले 5 सालों के लिए काम होना है। इसमें मेन जो हमारा थ्रस्ट होगा वो होगा जो हमारे जो वैरायटीज हैं, जो किसी भी फल के वैरायटीज, जैसे सेब है, नाशपाती है, अखरोट है, जितने भी हमारे जो टेम्परेट फ्रूट्स और सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं उसकी जो लेटेस्ट वैरायटीज जो आजकल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है उसको हमने चेंज करना है। जैसे एप्पल की बात ले लें कि जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो हम एप्पल की बात करते हैं क्योंकि हमारा जो 80-90% जो एरिया है वो एप्पल के अंडर है। तो एप्पल में हमारा जो पर जो हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो आज अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी अगर हम कंपेयर करें तो बहुत डाउन है हमारा। तो इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद हमारा ये है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, क्वालिटी को हमने एनहांस करना है और साथ में जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैल्यूएडेशन है फ्रूट्स का, उसको हमने जो बढ़ावा देना है। बच्चों बीमार ना होना अस्पताल में चिकित्सक नहीं है। सोलन के अस्पताल के बारे में अगर यह कहा जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि करीबन 2 माह से सोलन के अस्पताल में बच्चों का चिकित्सक नहीं है और जिसके चलते बच्चों का इलाज करवाने आए परिजनों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से सुदृढ़ लोग तो निजी अस्पताल का रुख कर सकते हैं लेकिन गरीब अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएगा, इस बारे में शायद कोई सोच नहीं रहा होगा। बच्चों का इलाज करवाने के लिए सिरमौर से दूरदराज गांव धामला से बच्चे का इलाज करवाने आए परिजनों ने कहा कि उन्हें सबसे नजदीक सोलन अस्पताल पड़ता है इसलिए वे यहां अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए आए हैं, इसलिए उन्हें डॉक्टर की जरूरत है लेकिन अस्पताल में चिकित्सक नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी रोष प्रकट करते हुए कहा कि वह अस्पताल में कई बच्चों की मौत इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं। सर इधर डॉक्टर नहीं मिलते काफ़ी समय से और इतने दूर से आए हम 70-80 किलोमीटर। बच्चों के डॉक्टर 1.5-2 महीने हो गए जबकि उपलब्ध नहीं है। एक डॉक्टर विपिन थे, उन्हें इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया शिमला के लिए और दूसरी डॉक्टर शिखा है, उनके हाथ में चोट लग गई जिससे एक्सीडेंट के कारण वो 1 महीने से आ नहीं रही हैं। सरकार को देखना चाहिए कि बच्चे कितने परेशान हैं। सरकार का होने का क्या फ़ायदा है, यहाँ कोई फायदा नहीं है। कई पेशेंट तो ऐसे ही चले जाते हैं कि जिनकी कहने की जरूरत पड़ती है कि भी ये बच्चा अब चला गया या ये पेशेंट डॉक्टर के कारण चला गया, क्योंकि डॉक्टर नहीं होते तो क्या करा जाए, मौत हो जाती है। इसलिए हम आप सरकार से
रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे यहाँ डॉक्टर भेजिए, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनने का क्या फ़ायदा है जब अगर डॉक्टर नहीं भेजोगे तो। हमारा बच्चा बहुत बीमार है, एक महीने का बच्चा है और कहीं ले नहीं जा सकते, यहाँ के लिए हमें नज़दीक पड़ता है, हमें डॉक्टर की ज़रूरत है और हमारे लिए डॉक्टर चाहिए। सोलन अस्पताल में पिछले 2 माह से बच्चों का डॉक्टर नहीं है, ऐसे में अगर रोग से पीड़ित बच्चों को लेकर जो परिजन आ रहे हैं तो कोई हंगामा ना हो, इस डर से उन्हें ENT चिकित्सक के पास भेजा जा रहा है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि उन्हें किस तरह का इलाज सोलन अस्पताल में मिल रहा है। आपको बता दें कि सोलन अस्पताल में रोज करीबन 150 बच्चे अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन 2 माह से कुछ रोगी निजी अस्पताल का रुक कर अपनी जेबें ढीली करवा रहे हैं, तो कुछ पैसे की कमी के चलते बच्चों की बीमारी से समझौता तक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हमीरपुर समेत पूरे प्रदेश में पशु में बढ़ रही बांझपन की बीमारी ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है। गाय व भैंस में बांझपन का मर्ज अधिक देखने को मिल रहा है। जिला में 10-15% दूध देने वाले पशु बांझपन का शिकार है। वहीं पशु चिकित्सा विभाग भी इस रोग से बचाव की कोई खास पहल नहीं कर रहा है। दुधारू पशु में गर्भधारण न होने से लोग इन्हें बेचने के लिए मजबूर है। वहीं यूरिया खाद के बढ़ते प्रचलन से पशुओं के दूध में कमी के साथ बांझपन के बढ़ने से पशुपालक भी चिंतित है और समस्या से निदान के लिए विभाग का मुंह ताक रहे हैं। वहीं जामली धाम के संचालक रसिल सिंह मनकोटिया ने बताया कि सरकार हजारों रुपये खर्च कर इन टीकों को खरीदती है और फिर पशुओं को कृत्रिम गर्भधारण किया जाता है और पशु में गर्भ न ठहरने पर पशुपालकों में निराशा हाथ लग रही है। पशुपालकों ने प्राकृतिक गर्भधारण को ही उचित ठहराया है। अच्छी नस्ल व दुधारू पशुओं में बांझपन की शिकायत ज़्यादा मिल रही है। पशु में यह बीमारी पोषक तत्वों की कमी से होती है। भूसा व राशन के उत्पादन में अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करना इसकी वजह बना है। देसी खाद के यूरिया खाद भी काम नहीं कर रही है, इसलिए जो हमारे वहाँ यूरिया खाद का जो प्रचलन था उसके कारण दूध में भी कमी आई है, फसल में भी कमी आई है। क्योंकि जिस घास को यूरिया खाद के घास को जो गऊ है या भैंसें खा रही हैं उसके कारण दूध कम है, बेहद कमी आ गई है। वहीं पशु चिकित्सकों का कहना है कि इसे दूर करने के लिए हरे चारे को तैयार करने में गोबर, जैविक और हरी खाद का इस्तेमाल करें। ज्यादातर पशुपालक अच्छी नस्ल के महंगे पशु खरीद लेते हैं लेकिन रखरखाव और भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं दे पाते हैं। इसी से पशु एक दो बार बच्चा देने के बाद बांझपन का शिकार हो जाते हैं। पशुओं को पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहें तो बांझपन की बीमारी से बचाया जा सकता है। वहीं हमीरपुर जिला पशु चिकित्सालय के डॉक्टर अविनाश शर्मा ने बताया कि रासायनिक खाद से तैयार किया गया चारा खाने से पहले पशुओं की आंतरिक क्रियाओं का विस्तार नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अगर ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ावा दें तो बांझपन के लक्षणों में कमी आएगी और समस्या से निदान मिल सकेगा। अगर हम केमिकली ग्रोन फॉडर ट्रीज या फॉडर प्लांट्स को हम पशुओं को देते हैं तो पशुओं में भी उसका नुकसान हो रहा है, पशुओं में बांझपन आ रहा है, पशु में बार बार टीके ले रहे हैं और उसकी वजह वही केमिकल है, उन केमिकलों की वजह से ही उसमें हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम ऑर्गेनिक खेती के ऊपर जाएंगे और पशुओं द्वारा जनित गोबर की खाद को उपयोग करेंगे तो पशुओं में बांझपन के लक्षण भी कम आएंगे, क्योंकि हमें जो चारा उपलब्ध होगा वो भी हमें ऑर्गेनिक उपलब्ध होगा। तो मेरा सभी किसान भाई बहनों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती करें और ऑर्गेनिक खेती के प्रोड्यूस का भले ही प्रोड्यूस कम होता है लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा मिलती है तो इकोनॉमिकली वो वायबल है, सभी उस खाद का उपयोग करें ताकि हम सभी के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर ना पड़े, एक दूसरा पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। के चैनल के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल।